मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा कहा जाता है और मानव सेवा में तत्पर रहने वाले कहानी के जाने माने देवराज सेवा संस्थान कहानी द्वारा पैदल परिक्रमा वासियों की सेवा का अवसर मिलता है। मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे उनकी सेवा देवराज सेवा संस्थान के अध्यक्ष मुकेश सैन द्वारा की भेंट में कपूर अगरबत्ती सप्रेम भेंट दी जाती है। मां नर्मदा परिक्रमा वासियों को पूजन के लिए आवश्यक होती है कपूर और अगरबत्ती। सेवा संस्थान के अध्यक्ष मुकेश सैन पैदल परिक्रमा वासियों से मिलते हैं एवं उन्हें देते हैं भेंट, जिससे पैदल परिक्रमा वासियों का सहयोग भी किया जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? नर्मदे हर हमारे जो नर्मदा पथ है कहानी क्षेत्र घनसौर से, यहाँ से जो भी परिक्रमा वासी जाते हैं हम लोगों द्वारा यहाँ पर उन लोगों की सेवा की जाती है और हमारे क्षेत्र के हर एक क्षेत्रवासी उनकी सेवा करता है। कहाँ रहते हैं? कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से, भुसावल से। पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, क्या आभास कर रहे हैं? भैया की सेवा में है, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद मंगल से हम परिक्रमा कर रहे हैं। ओमकारेश्वर से हम निकले हैं, 15-11 को हम परिक्रमा उठाए हैं।